रंजना सिंह राठौड़। मिडल ईस्ट के मोर्चे पर हर दिन तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद एक बार फिर ईरान और इजरायल आमने सामने आ गए हैं। ईरान ने नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। एक रिपोर्ट देखिए। आसमान में तेज चमकती रोशनी, फिजा में गूंजती सायरनों की आवाज, उसके बाद कान फाड़ देने वाले धमाके। मिडिल ईस्ट में ऐसी तस्वीरें आम हो चली हैं, बस जगह बदलती है। एक बार फिर मिसाइल हमलों से मिडिल ईस्ट थर्राता नजर आया। इस बार दहशत का मंजर इजराइल में था और निशाना साधा था ईरान ने। नसरल्लाह और हानिया का बदला। ईरान के हमलों से इजराइल दहला। तीस मिनट में 200 मिसाइल हमला। बीती रात 10 बजे 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल के आसमान में आफत ने दस्तक दी। तीन मुल्कों की आसमानी सीमा को लांघते हुए ईरान से दागी गई मिसाइलों ने इजराइल की धरती तक पहुंच बनाई और फिर धमाकों की आवाज से कई इलाके थर्रा उठे। देखिए ये वीडियो। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें कैसे इजरायली शहरों पर गिर रही हैं, एक के बाद एक धमाकों की गूंज से आसमान थर्रा रहा है। ईरान के हमले का ये एक और दूसरा वीडियो देखिए। ईरान के मिसाइल हमले से पूरे शहर में खलबली मच गई। दहशत और खौफजदा लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ी। जिस वक्त ईरान का मिसाइल हमला हुआ, लोग सड़कों पर थे। सड़क से गुजर रही एक कार के डैशकैम में लाइव मिसाइल अटैक कैद हो गया। देखिए ये वीडियो। मिडिल ईस्ट इस वक्त सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और दक्षिण लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद मंगलवार रात ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। ईरान का यह हमला स्ट्रेटेजिक था। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने 90% टारगेट को हिट किया है। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल के तीन मिलिट्री बेस को अपनी मिसाइलों का निशाना बनाया। नेवातिम, हेडजारिम और तेलनोफ मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी गईं। तेलनोफ और नेवातिम इजराइल के सबसे एडवांस मिलिट्री बेस हैं। खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने ये हमले इजराइल को तगड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए थे। हमले के बाद मोसाद हेडक्वार्टर के पास से तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये वीडियो। मोसाद के हेडक्वार्टर के पास इलाके में सड़क पर लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। सड़क पर मलबा भी बिखरा नजर आया। इस साल इजराइल पर ईरान का ये दूसरा हमला है। इससे पहले अप्रैल में भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिसे उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया था। उस समय ईरान ने करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइलें और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। बीती रात हुए हमले में ईरान ने केवल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इजराइल के मिलिट्री बेस और मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। अप्रैल के बाद किए गए अपने ताजा हमले को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2।
इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आईआरजीसी के अफसर अपनी नजर बनाए हुए थे। आईआरजीसी के वरिष्ठ सैन्य अफसर लगातार फोन के जरिए मिसाइल यूनिट के संपर्क में थे। मिसाइल हमलों के बाद आईआरजीसी के कमांडर बेहद खुश नजर आए। ईरान की आर्मी यूनिट आईआरजीसी ने हमले के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस्माइल हानिया और सैयद हसन नसरल्ला की शहादत के जवाब में उसने ये हमले किए हैं। अगर इसराइल ईरान के ऑपरेशन का जवाब देगा तो उसे विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। हमले के बाद आईआरजीसी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी का बयान सामने आया है। मैं दर इंजो एलान मिकुनम के सिपाह पासदारान व नीरोहाय मुसल्लह जमहूरी इस्लामी ईरान چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کے الگ الگ علاقوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ इसराइल के अलग अलग इलाकों में ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के जलते हुए टुकड़े नजर आ रहे हैं। इन टुकड़ों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक रही होंगी। मिसाइलों के आसमान से गिरने का एक खतरनाक लाइव वीडियो भी सामने आया है। देखिए कैसे मिसाइल का विशालकाय टुकड़ा आसमान से एक शख्स के ऊपर ही आ गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ईरान के हमले के दौरान इसराइल में जेरूशलम से लेकर जॉर्डन वैली तक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इजरायली सेना ने कहा है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इसराइल की रक्षा में मुस्तैदी दिखाते हुए मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसराइल का दावा है कि ईरान का